मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर और कुछ बंदों के बीच फाइट को देखते हैं। वो फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बंदे उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। इसके बाद हम सॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक कार की तलाशी ले रहा था। उसे कार के अंदर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो उसकी ट्रंक खोलता है उसमें उसे एक चश्मा मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब वहाँ से वो अपनी कार को उठाता है और सीधा मेक्सिको के पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ से वो दो पुलिस ऑफिसर्स को लेके आता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आता है वो कार वहाँ पर नहीं होती। वो ऑफिसर्स को बोलता है कि कार यहीं पर थी, पर पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते। दरअसल सॉन की बेटी ली अपने एक दोस्त के साथ पार्टी करने आई थी और वो अमेरिकन बॉर्डर से मैक्सिकन बॉर्डर के अंदर आ गई थी और वहाँ से उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। पुलिस ऑफिसर सॉन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स की बात सुन के ऐसा लगता है कि वो भी किडनैपर्स से मिले थे। अब सॉन वापस अपने घर लौटता है। घर में उसकी वाइफ और एक दूसरी बेटी भी थी। उसकी बेटी अपनी बहन ली को सॉन के साथ न देखकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सॉन जब उसके रूम में जाता है वो बोलती है कि तुमने हमसे वादा किया था कि आप हमें सेफ रखेंगे, लेकिन आप इसमें फेल हो गए। वो सॉन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। सॉन बहुत अकेला फील करता है। उसकी वाइफ उसका साथ देती है। वो उसको बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। सॉन उसे अपनी बेटी का चश्मा दिखाता है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है उसकी कार से। वो बोलती है क्या तुमने पुलिस को बताया। वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो सब इन सब में मिले हुए हैं। अब अगली सुबह सॉन से मिलने सॉन का फ्रेंड मैक्स आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सॉन एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था। सॉन मैक्स को सारा कुछ बोलता है। मैक्स कहता है कि अगर सॉन मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसी भी तरह से उन सबको मार देता जिसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया। सॉन कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो क्या होता, जिस पर मैक्स बोलता है कि मैं उस पूरे शहर को ही शमशान बना देता। सॉन कहता है कि फिलहाल अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी मैं अपने हिसाब से सब कुछ पता करता हूँ, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। सॉन वहाँ पर यूएस के जनरल से भी मिलने जाता है और उसे अपनी डॉटर के बारे में बोलता है। वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसको पुराने ऐसे ही केसेस के बारे में बोलता है। वो कहता है कि इन सब में यहाँ का एक लॉस मार्सिनियारो नाम का कार्टेल शामिल है, जिसमें कुछ ट्रेंड सोल्जर्स हैं। सॉन बोलता है कि उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे हैं। जनरल बोलता है कि शायद उन्होंने तुम्हारी डॉटर को किसी क्लब में डाल दिया होगा। वो कहता है कि इस कार्टेल को अगर कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो उसे पूरा साफ कर देते हैं। अब सॉन वहाँ से चला जाता है। सारे न्यूज चैनल्स में दोनों लड़कियों के लापता होने की खबर चल रही होती है। सॉन और उसकी वाइफ से न्यूज रिपोर्टर कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को कुछ मैसेज देना चाहते तो वो क्या होता, जिस पर सॉन बोलता है ली मैं तुम्हें किसी तरह से भी ढूंढ लूंगा। ये सब न्यूज कार्टेल का लीडर विक्टर भी देख रहा होता है और वो अपने भाई कार्लोस को फोन करता है, जिसके बाद कार्लोस और उसके साथी उसी पुलिस ऑफिसर और उसके साथी को पकड़ लेते हैं जिनसे सॉन मिला था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ये केस हर जगह फैल चुका है और तुमने उस आदमी को वहाँ से क्यों जाने दिया। विक्टर कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और वो दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद वो उस ऑफिसर को लेके वहाँ से चले जाते हैं। विक्टर अपने भाई कार्लोस को सॉन के घर में अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि उसके घर में जो कोई भी है सबको मार दो, हम एक भी खतरा अपने लिए नहीं रखना चाहते। जिसके बाद कार्लोस उसी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेके सॉन के घर के लिए निकल जाता है। सॉन का घर शहर से बिल्कुल अलग था, उसके घर के आसपास कोई भी घर नहीं थे। इधर सॉन अपने घोड़े को घास दे रहा होता है। वो काफी दूर पर कुछ गाड़ियों को खड़ा हुआ देखता है। सॉन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो अपनी स्नाइपर लेके बाहर आता है। सॉन की वाइफ स्नाइपर देखकर बोलती है वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वो बोलता है कि मैं बाहर शिकार करने जा रहा हूँ। इसके बाद कार्लोस जाके वहाँ पर पहले से खड़े अपने साथी से मिलता है, जो वहाँ पर उन सबका इंतजार कर रहा था। वो बोलता है कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं है और मैंने यहाँ पर जैमर्स लगा दिए हैं, कोई भी किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, हम आराम से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। वो सब सॉन के घर की ओर निकल जाते हैं। उनके पास बहुत सारे वेपन्स थे। सॉन अपने घर की तरफ चार गाड़ियों को आता हुआ देखता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी आवाज को नहीं सुन पाती। इधर कार्लोस अपने साथियों के साथ काफी करीब आ जाता है और एक बंदा सॉन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन सॉन अपनी स्नाइपर से उस बंदे का पूरा भेजा ही उड़ा देता है। सॉन घर के अंदर जाते जाते उन पर कई राउंड फायरिंग करता है। वो अपनी डॉटर और वाइफ को एक गन देता है और उन्हें घर के ऊपर जाने के लिए बोलता है। ऊपर जाकर सॉन की बेटी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैमर्स लगे होने की वजह से उनके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं होता। सॉन अपनी स्नाइपर में बुलेट्स को लोड करता है। अब वो गेट के पास जाता है और बाहर खड़े बंदों पर फायरिंग करता है, जिसमें से वो कुछ बंदों को वहीं पर मार देता है। बाहर खड़े लोग भी उस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। अब इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उसके पास एक कॉल आता है कि उन्होंने पास की जगह पर गन शॉट्स की आवाज़ सुनी है। वहाँ पर इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी कि उनसे काफी दूर वहाँ के रहने वाले आदमी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। ऑफिसर को वहाँ पर जाने के लिए बोला जाता है। वो ऑफिसर सॉन के घर की ओर निकल जाता है। इधर कार्लोस धीरे धीरे अपने साथियों को अंदर भेज रहा था। सॉन वहीं पर दरवाजे के पास खड़ा होता है और जैसे ही उसमें से एक बंदा अंदर आता है वो उसको शूट कर देता है और अब सॉन कुछ प्लेट्स जमीन पर गिरा देता है और खुद उसके सामने वाले कमरे में जाकर छुप जाता है। इधर और बंदे घर के अंदर आ जाते हैं। वो सब इधर उधर सॉन को ढूंढते हैं, लेकिन उनका पैर नीचे पड़ी प्लेट्स पर पड़ता है और सॉन को टारगेट मिल जाता है।
वो कमरे के अंदर से ही उस आदमी को शूट कर देता है और फिर बाहर आकर उसके साथ वाले आदमी को भी शूट कर देता है। उधर एक आदमी घर के ऊपर वाले कमरे को खोलने लगता है जिसमें सोहन की वाइफ और डॉटर थी, लेकिन वो दरवाजा खोल पाता सोहन की वाइफ पहले ही गन से उसको शूट कर देती है। अब सोहन भी घर के ऊपर चला जाता है। उस पर कार्लोस के साथी लगातार फायर कर रहे थे। सोहन अपनी वाइफ और डॉटर के कमरे में जाता है और वहां से वो एक ऑटोमेटिक राइफल निकालता है। नीचे कार्लोस पुलिस ऑफिसर को अपने एक साथी के साथ ऊपर भेजता है, लेकिन वो बंदा जैसे ही ऊपर जाता है सोहन उसको शूट कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर को छोड़कर ऊपर आए सारे बंदों को मार देता है। वो अपनी वाइफ और डॉटर को विंडो से बाहर जाने के लिए बोलता है और सोहन पुलिस ऑफिसर को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। अब हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसको कुछ देर पहले गन शॉट का मैसेज मिला था। बाहर से कार्लोस का आदमी कार्लोस को उसके बारे में बोलता है, जिसके बाद कार्लोस उस पुलिस ऑफिसर को खत्म करने के लिए बोलता है। अब पुलिस ऑफिसर जैसे ही आगे बढ़ता है वो डेड बॉडीज को देखता है। वो जैसे ही और करीब आता है उस पर एक बंदा लगातार फायरिंग करता है। ऑफिसर जल्दी से अपनी कार को पीछे लेता है और कुछ देर पीछे जाके उसकी कार रुक जाती है। अब वो बंदा सोचता है कि ऑफिसर मर चुका होगा। वो ऑफिसर की कार के पास जाता है, जिसके बाद ऑफिसर कार के पीछे से निकलता है और वो उस बंदे को शूट कर देता है। वो और पुलिस फोर्स बुलाने के लिए मैसेज भेजता है, लेकिन जैमर्स लगे होने की वजह से उसका मैसेज नहीं जाता। अंदर सोहन और कार्लोस के बीच लगातार फायरिंग हो रही होती है। अब कार्लोस काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। वो ऊपर सोहन के पास एक ग्रेनेड फेंकता है। सोहन ऊपर घर की विंडो से बाहर निकल जाता है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है। कार्लोस और उसके साथी भी बाहर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उन सबको देखता है और वो उन पर फायर करने लगता है। उनके बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। सोहन अपनी वाइफ और डॉटर को ट्रक से निकलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मैं ऑफिसर की मदद करने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है कार्लोस के आदमी पुलिस ऑफिसर को शूट कर देते हैं। अब सोहन और कार्लोस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उधर सोहन की वाइफ ट्रक लेके बाहर निकलती है। सोहन जल्दी से उस ट्रक में बैठता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। कार्लोस भी अपनी कार को स्टार्ट करता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो सोहन के ट्रक के काफी करीब आ जाते हैं और उस पर लगातार फायरिंग करते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में एक शार्प टर्न आता है और उसके पहले ही सोहन अपनी गन को लोड कर लेता है और जैसे ही वो टर्न पर पहुंचता है वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और खुद ट्रक से बाहर आ जाता है। उस टर्न पर कार्लोस की गाड़ी जैसे ही आती है वो उस पर लगातार फायर करता है, जिसके बाद वो उसके साथ बैठे उसके दोनों साथियों को मार देता है। वो कार्लोस के हाथ में भी गोली मार देता है। सोहन उससे पूछता है मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो कहता है बाहर में जाओ। सोहन उसके हाथ में फिर से गोली मारता है, वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद वो एक गोली उसके पैर में मारता है। सोहन कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, जिस पर सोहन उसके घाव पर पैर रख देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और सब कुछ बोल देता है। वो बताता है कि तुम्हारी डॉटर और उसकी फ्रेंड हम लोगों को गिफ्ट में मिली थी, उसको उन्हीं पुलिस ऑफिसर ने किडनैप किया था जिनसे तुमने सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया था। सोहन उससे पूछता है कि उन्होंने किसको गिफ्ट किया, जिस पर वो बोलता है मेरे भाई विक्टर को और वही कार्टेल का लीडर है। कार्लोस उसको विक्टर का एड्रेस भी बोल देता है। अब इसके बाद सोहन कार्लोस को भी शूट कर देता है और वो अपनी वाइफ और डॉटर को बुलाता है। वो उनसे उनका फोन लेता है और उनको शहर में जाके पुलिस को सब कुछ बताने के लिए बोलता है। उसकी वाइफ बोलती है तुम क्या करने वाले हो, जिस पर वो बोलता है मैं अपनी बेटी ली को लेने जा रहा हूँ। अब सोहन अपने दोस्त मैक्स को कॉल करता है जिससे वो मूवी की शुरुआत में मिला था। वो कहता है कि क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो। मैक्स कहता है कि तुम बस जगह का नाम बताओ और कुछ देर के बाद मैक्स अपनी कार से वहां पर पहुंचता है। वो अपनी कार का ट्रंक खोलता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स पड़े थे। सोहन अपने साथी मैक्स के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। वो विक्टर के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। सोहन बोलता है कि चाहे मेरी बेटी जिंदा हो या मर गई हो, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। हम वहाँ पर विक्टर को देखते हैं जो कि अपने भाई के मरने की खबर सुनता है, जिससे वो बहुत गुस्से में होता है। सोहन और मैक्स अब विक्टर के आदमियों पर अटैक कर देते हैं और वो एक एक करके चुपके से उनके आदमियों को मारने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो विक्टर के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर उन दोनों और विक्टर के आदमियों के बीच लंबी फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर भी गन की आवाज सुनता है, जिसके बाद वो अपने और बंदों को घर पर जल्दी आने के लिए बोलता है। सोहन और मैक्स काफी देर फाइट करने के बाद नीचे सबको मार देते हैं और कुछ देर के बाद वो विक्टर तक पहुंच जाते हैं। सोहन उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर विक्टर बोलता है कि वो मर गई। सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बहुत मारता है। वो उसको बस बोलने लायक छोड़ता है। विक्टर उसको रुकने के लिए बोलता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। सोहन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर विक्टर बोलता है कि वो शहर के दूसरे हिस्से में है। अब वो दोनों विक्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं और उसके दूसरे अड्डे पर पहुँचते हैं। सोहन उससे पूछता है कि अंदर जाने के लिए तुम कौन सा पैटर्न यूज करते हो, जिस पर वो उसे चार बार दरवाजे पर नॉक करने के लिए बोलता है। सोहन बोलता है कि अगर तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें वहीं पर जान से मार दूंगा। अब सोहन चार बार दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन तभी अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है।
सॉन विक्टर को शील्ड की तरह यूज करता है और वो अंदर लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। वो वहाँ पर सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद सॉन विक्टर को लेके एक कमरे तक पहुँचता है। वहाँ पर सॉन की बेटी और उसकी दोस्त बुरी हालत में पड़ी थी। वो दोनों बहुत डरी हुई थी और वो किसी तरह से अपना होश संभालती है। अब सॉन उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है और वो अपने दोस्त मैक्स को बचा हुआ काम करने के लिए बोलता है, जिसके बाद मैक्स एक चाकू निकालता है। और कुछ देर के बाद हम एक सड़क का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स विक्टर का सिर अलग करके वहीं पर फेंक देता है। मूवी के लास्ट में हम सॉन और उसकी फैमिली को एक साथ देखते हैं, जो कि इतने बड़े खतरे से बचने के बाद अब खुश होते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।